अस्सलामुअलैकुम। आज हम चीज़ बॉल बना रहे हैं, आलू से बनाएंगे हम। अभी हमने ये आलू को बॉईल कर लिया है, ये इसमें हम खिस कर लेंगे। आप मैश कर कर भी ले सकते हैं। ये इस तरह से हम खिस लेंगे। पहले आलू हमारा खिस कर हो गया है, अभी हम इसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे। ये गाजर है एक चम्मच बड़ा करीब, ये शिमला मिर्च है, एक प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया है, लहसुन की कलियां सिर्फ हमने दो ली है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। लहसुन को बारीक किसके डालेंगे, या बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, ये इस तरीके से डालें। बहुत कम लहसुन जाता है इसमें। अभी हम सूखे मसाले डालेंगे, ये आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है, ये एक चम्मच चिली फ्लेक्स है, छोटा चम्मच है इसलिए मैं थोड़ा सा और डालूंगी, ओरिगैनो डालेंगे हम, ये भी आधा चम्मच डालेंगे, नमक डालेंगे, चीज घसेंगे। ये मैंने अमूल चीज ही लिया है, अगर आपको चाहिए स्टिकी चाहिए तो मोजरेला ले सकते हैं, ये मैंने अपना अमूल चीज लिया है। ये घिसेंगे हम, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्रीमी बनेंगे एकदम। डाल दिया, अभी डालेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, इससे हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। अभी हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिलिए, बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको गूंद लिया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये कलरफुल दिख रहा है। अभी हम इसके बॉल्स बना लेंगे। ये हमारा बैटर रेडी है, अभी हम ये मैदे का घोल बनाएंगे। ये हमने दो चम्मच मैदा लिया है, इसका गाढ़ा सा घोल बनाएंगे हम। अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने वेज बनाया है तो पूरी तरह से वेज बनाएंगे। ये हमने इतना गाढ़ा घोल बना लिया है, बॉल्स के ऊपर अच्छे से लग जाना चाहिए, बस ये बना के रखा है। हमने ब्रेड क्रम लिया है, इससे हमारे बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अभी हम थोड़ा सा तेल का हाथ लगाएंगे और फिर बॉल्स बनाएंगे, इससे हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं। ये हमारे बॉल्स इस तरह से बना देंगे, इसमें डालेंगे हम, अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप बीच में बॉल के बीच में भी करके और चीज़ थोड़ा सा डाल के बना सकते हैं। ये इस तरह से बन गया, देखिए ये हमारे सारे बॉल्स बनकर रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे, तब फ्राई करना है तब निकाल लेंगे। आधा एक घंटा अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो हमारे बॉल्स बहुत ही अच्छे बनेंगे, इसलिए मैं अभी इसको फ्रिज में रख दूंगी, तब फ्राई करना है तब निकालूंगी। यहाँ पर ऑयल गर्म के लिए रख दिया है, अभी हम एक एक करके बॉल्स इसमें डालेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा स्लो भी करके फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी आंच करके नहीं डले। ये देखिए कलर तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, ये देखिए हमारा चीज़ बाहर आना शुरू हो गया है, यानी कि हमारे बॉल्स फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसको निकाल देते हैं। ये हमारे चीज़ बॉल बनकर रेडी हो गए हैं, फ्राई होकर बहुत ही अच्छे हो गए हैं। ये देखिए इसकी क्रिस्पीनेस देखिए, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए
बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।